नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो अब नजरें डालते हैं नागपुर के विविध हलचल पर। महाराष्ट्र के पशुपालन, डेयरी विकास, खेल और युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार ने आह्वान किया है कि देश भर के किसानों पर तीन किसान विरोधी काले कानून लादने वाले किसान विरोधी भाजपा को इस उपचुनाव के माध्यम से सीमा पार करें। केदार मध्य प्रदेश के खंडवा में हो रहे लोकसभा उपचुनाव की प्रचार सभा को संबोधित कर रहे थे। सुनील केदार ने कहा कि भाजपा पिछली बार मध्य प्रदेश में नरसंहार कर सत्ता में आई थी, लेकिन अब उन नरसंहारों को कमजोर करने का समय आ गया है। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर राजनारायण पुनिया के प्रचार के लिए मंत्री सुनील केदार ने नीमोला, चापोरा, धामनगांव, इच्छापुर, सिरसोड़ा, नचनखेड़ा और बुरहानपुर का दौरा किया। सुनील केदार ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने देश के सभी सरकारी संस्थानों का निजीकरण करने का फैसला किया है। पिछले कई महीनों से दिल्ली सीमा पर किसान अपने हक और तीन काले कानूनों को खत्म करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन करीब 10 महीने से चल रहे आंदोलन के बारे में बीजेपी के एक भी नेता ने कुछ नहीं कहा और अब किस आश्वासन पर भाजपा सरकार वोट मांगने जा रही है। कौन सा व्यवसाय आर्थिक रूप से व्यवहार्य है, इस पर विचार करते हुए मौजूद अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बात यानी बदलती हुई प्रौद्योगिकी है। व्यवसाय में आप जितना अधिक आधुनिक तकनीक का उपयोग करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। ये विचार केंद्रीय सड़क महामार्ग यातायात और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वैश्य फेडरेशन के सम्मेलन के वर्चुअल उद्घाटन अवसर पर व्यक्त किए। उन्होंने आगे कहा कि ज्ञान और कचरे को धन में बदलना आज देश के लिए आवश्यक है। आयातित वस्तुओं के विकल्प बनाकर निर्यात बढ़ाना ताकि हम सफलतापूर्वक व्यापार कर सके। ऑटोमोबाइल सेक्टर देश का सबसे बड़ा निर्यातक है। दो पहिया, तीन पहिया और चार पहिया वाहन बनाने वाली हीरो, टीवीएस और बजाज अपने उत्पादों का 50% निर्यात कर रही है। इन कंपनियों द्वारा आधुनिक और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने के कारण ऐसा हो रहा है। गडकरी ने कहा कि देश जैव ईंधन में इथेनॉल, मेथनॉल, सीएनजी, एलएनजी और इलेक्ट्रिक पर काम कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि जहां पेट्रोल और डीजल वैकल्पिक स्वदेशी सस्ते ईंधन का उपयोग नहीं करते हैं, वहीं 8 लाख करोड़ रुपए के कच्चे तेल का आयात निकट भविष्य में 25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मंडल रेल प्रबंधक मनिंदर उपल से विधायक कृष्णा खोपड़े व गिरीश व्यास, विकास कुंभारे के संयुक्त नेतृत्व में जैन समाज शिष्टमंडल मिला। इस अवसर पर जैन समाज के प्रमोद जैन गुडलक, शीतल चंद जैन, अजय टक्का मोरे, सुरेश जैन, दीपक जैन, प्रफुल्ल मोदी आदि उपस्थित थे। इस दौरान अहिंसा वाटिका हेतु रेल प्रबंधक से सविस्तर चर्चा हुई। शिष्टमंडल ने स्थायी लीज देने हेतु निवेदन दिया। शिष्टमंडल ने रेल प्रबंधक को स्मरण कराया कि 2004 और 2014 के आदेश के बावजूद 2016 में अहिंसा वाटिका की लीज दी गई। रेलवे प्रबंधक ने इसका अध्ययन करके आगे की कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। शिष्टमंडल ने यह भी स्मरण कराया कि अहिंसा वाटिका में जैन संतों हेतु नैसर्गिक विचरण हेतु उपयोग की जाती है। इसमें कोई भी स्थायी बांधकाम नहीं किया गया है। यहाँ पर पेड़ लगाकर ऑक्सीजन जोन का निर्माण किया गया। नैसर्गिक तरीके से इस जगह का रखरखाव जैन समाज करता है। नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स की 27 अक्टूबर को राजवाड़ा पैलेस, गांधी सागर तलाव के पास इम्प्रेस मॉल रोड, नागपुर में होने वाली 77वीं वार्षिक सर्वसाधारण आम सभा स्थगित करवाई गई है। 25 अक्टूबर को चेंबर की आकस्मिक कार्यकारिणी सभा ली गई, जिसमें चेंबर के कार्यकारिणी मंडल ने आवश्यक कारणों के कारण सर्वसम्मति से अगली तारीख तय होने तक चेंबर की 77वीं वार्षिक सर्वसाधारण आम सभा को स्थगित करने का निर्णय लिया है। चेंबर के अध्यक्ष अश्विन मेहाड़िया एवं सचिव राम अवतार तोतला ने बताया कि वार्षिक सर्वसाधारण आम सभा हेतु अगली तारीख तय होने पर सदस्यों को सूचना पत्र भेजकर सूचित किया जाएगा। उन्होंने चेंबर के सभी सदस्यों से इस असुविधा हेतु खेद व्यक्त किया है। उपरोक्त जानकारी एनवीसीसी सचिव राम अवतार तोतला ने दी। महात्मा ज्योतिबा फुले अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान महाज्योति महाराष्ट्र सरकार की ओर से नागपुर में कॉल सेंटर का उद्घाटन महाज्योति के संचालक डॉक्टर बबनराव तायवाड़े व दिवाकर राव गमे के हस्ते 25 अक्टूबर को किया गया। कार्यक्रम का आयोजन आज महाज्योति कार्यालय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सामाजिक न्याय भवन दीक्षा भूमि रोड नागपुर में किया गया था। इस अवसर पर महाज्योति के निदेशक प्रदीप कुमार डांगे, महाज्योति के प्रबंध निदेशक लेनोवो कंपनी के नीले सातफले व अन्य अतिथि उपस्थित थे। महान समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नागरिक स्वाधीनता पर बल दिया था, आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये बात श्री बिंझाणी नगर महाविद्यालय नागपुर के राजनीति शास्त्र विभाग प्रमुख डॉक्टर संदीप तुंडरवार ने कही। लोहिया अध्ययन केंद्र की ओर से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों की प्रासंगिकता विषय व्याख्यान का आयोजन मधुली में स्मृति सभागृह में किया गया। प्रमुख वक्ता के रूप में डॉक्टर तुंडरवार बोल रहे थे। विशिष्ट वक्ता के रूप में शासकीय महाविद्यालय लोधीखेड़ा जिला छिंदवाड़ा के राजनीति शास्त्र विभाग प्रमुख डॉक्टर अनुप कुमार सिंह उपस्थित थे। अध्यक्षता केंद्र के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने की, कोषाध्यक्ष संजय सहस्त्रबुद्धे प्रमुखता से उपस्थित थे। डॉक्टर तुंडरवार ने कहा कि बोलने लिखने और संगठन का गठन करने के लिए नागरिक स्वाधीनता की जरूरत है। आम आदमी अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने हेतु तैयार होगा, तभी नागरिक स्वाधीनता बचेगी। लोकतंत्र का मूल मंत्र संवेदनशीलता है। केरल की समाजवादी सरकार की गोलीबारी में नागरिकों की मौत होने पर तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष राम मनोहर लोहिया ने मुख्यमंत्री धानु पिल्लई को इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया था। डॉक्टर अनुप कुमार सिंह ने कहा कि आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सप्त क्रांति की बहुत आवश्यकता है। नागपुर महानगर पालिका की ओर से मध्य नागपुर में ऐतिहासिक गांधी सागर तालाब के विकास एवं सौंदर्यीकरण के कार्य की गति तेज करने के निर्देश महापौर दयाशंकर तिवारी ने दिए। सोमवार को मनपा मुख्यालय में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मृति स्थायी समिति हॉल में गांधी सागर तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर मेयर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में विधायक विकास कुंभारे, उप महापौर मनीषा धावड़े, पार्षद प्रमोद चिखले, पार्षद लता काटगाय, हर्षला साबले, अपर आयुक्त राम जोशी, परिवहन प्रबंधक रविंद्र भेलावे, निगम सचिव डॉक्टर रंजना लाड़े, धंधौली क्षेत्र की सहायक आयुक्त किरण बागड़े, नागपुर स्मार्ट सिटी परियोजना प्रबंधक डॉक्टर प्रणीता उमरेडकर, धंधौली जोन के अभियंता उज्जवल धनविजय, महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के श्रीवास्तव, संदीप जोशी, वास्तुकार ध्रुव कंसल्टेंसी सर्विसेज, मदर डेयरी के विनोद पांडव आदि उपस्थित थे। बैठक के दौरान महापौर ने गांधी सागर तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य पर चर्चा कर आने वाली कठिनाइयों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि गांधी सागर तालाब के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए महाराष्ट्र सरकार से धन प्राप्त हो गया है। इसके तहत तालाब के सभी किनारों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। यहां पैदल मार्ग है, शौचालय, पेयजल आदि की व्यवस्था की जाएगी। तालाब के बीच में आकर्षक फव्वारे लगाए जाएंगे। 75वें स्वतंत्रता वर्ष के मौके पर देश भर में बड़ी संख्या में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में एक कदम बढ़ाते हुए महामेट्रो भी कार्यक्रम आयोजित कर रही है। महामेट्रो समेत देश भर में इन सभी कार्यक्रमों का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया जा रहा है। नागपुर मेट्रो पहले ही देशभक्ति गीतों, साइकिल यात्रा और अन्य गतिविधियों पर कार्यक्रम आयोजित कर चुकी है। इसी कड़ी में महामेट्रो द्वारा संचालित ट्रेनों में खादी और चरखे से जुड़े वीडियो दिखाए जा रहे हैं। ये वीडियो खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा निर्मित किए गए हैं और मेट्रो यात्रियों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। पहला वीडियो हमारे देश के इतिहास में खादी के महत्व के बारे में है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमेशा यही कपड़ा पहनते थे। वीडियो में इस बात की जानकारी KVIC के अध्यक्ष VK सक्सेना ने दी। दूसरा वीडियो चरखा विषय पर है। चरखा कहते ही सूत काटते हुए राष्ट्रपिता की छवि मनोमस्तिष्क में उभरती है। इसके साथ ही इस वीडियो के साथ बापू का पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो परी पराए जाने रे भी सुनने को मिलता है। दीपावली त्योहार के मद्देनजर नागपुर पुलिस ने शहर के प्रमुख बाजार में गश्त बढ़ा दी है। पुलिस आयुक्त मितेश कुमार ने सोमवार शाम को संवाददाताओं को जानकारी दी कि दीपावली की खरीदारी करने के लिए बड़ी संख्या में नागरिक बाजार में आ रहे हैं। इनमें महिलाओं की संख्या अधिक है, इस वजह से चोरी तथा उठाईगिरी की घटनाएं बढ़ने की आशंका निर्माण हो गई है। शनिवार और रविवार की तुलना में आज तेजी से बाजारों की भीड़ बढ़ी है। पुलिस ने जितवारी, महाल, सीताबर्डी, सदर, धर्मपेट आदि बाजारों में पैदल गश्त बढ़ाई है। चोरी, पॉकेटमारी तथा चेन स्नैचिंग की घटनाओं की रोकथाम के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। पुलिस आयुक्त ने कहा कि नागरिकों के सहयोग से ही वारदातें रोकी जा सकती है। घर से बाहर निकलते समय चोरी की आशंका को देखते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। इस संबंध में पुलिस ने सर्राफा व्यापारियों से भी चर्चा की है। अमितेश कुमार ने बताया कि नवरात्र के दौरान कोराडी मंदिर में चेन स्नैचिंग तथा चोरी की घटनाओं की रोकथाम के लिए 5 किलोमीटर के दायरे में पुलिस के विशेष दल तैनात किए गए थे, जिससे कारगर परिणाम सामने आए हैं। अर्पिता सिद्धार्थ पारेख ने इंदौर की SAG यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। डॉक्टर दीपक सिन्हा के निर्देशन में नर्व सेल डेवलपमेंट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अर्पिता पारेख का शोध प्रबंध प्रस्तुत करने पर इंदौर में समारोह पूर्वक SAG यूनिवर्सिटी ने प्रदान की है। डॉक्टर पारेख ने अपने उपलब्धि का श्रेय निर्देशक डॉक्टर सिन्हा को दिया है। इस गौरवशाली उपलब्धि पर पारेख परिवार व आंचलिया परिवार महितपुर ने हर्ष व्यक्त कर बधाई दी एवं डॉक्टर पारेख के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। शांतिनगर कॉलोनी में रविवार को सिंधी समाज की महिलाओं ने करवा चौथ के पावन पर्व पर अपने पतिदेव की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखा।
ब्राह्मणी साक्षी सुनील शर्मा ने सभी महिलाओं को करवा चौथ की कथा व महिमा सुनाई। इसके बाद सभी सुहागिन महिलाओं ने रात्रि में चंद्रदेव को अर्घ देकर अपना व्रत खोला। इस अवसर पर पलक शर्मा, विधि परसनानी, दुर्गा शर्मा, भूमिका खत्री, विन्नी शर्मा उपस्थित थी। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षण मिशन के तत्वावधान में शिक्षा विद्यापीठ द्वारा साइबर सुरक्षा जागरूकता पर ऑनलाइन संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए प्रतिकुलपति प्रोफेसर चंद्रकांत रागिट ने कहा कि तकनीकी के बढ़ते इस्तेमाल के कारण साइबर सुरक्षा सभी के लिए एक चुनौती है। ऐसे में हमें तकनीकी का प्रयोग सोच समझ कर करने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल की प्रेरणा से 25 से 27 अक्टूबर के दौरान राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी पहली कड़ी में सोमवार 25 अक्टूबर को ऑनलाइन संगोष्ठी के माध्यम से साइबर सुरक्षा पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। प्रोफेसर रागिट ने कहा कि हाल ही के दिनों में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और अन्य उपकरणों का प्रयोग बड़ी संख्या में बढ़ गया है। ऑनलाइन शिक्षा के तहत शिक्षा में तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, परंतु हमें इसका इस्तेमाल सोच समझकर और आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए। उन्होंने एक सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि कोरोना महामारी के समय साइबर अपराध बढ़ गए हैं और इसी दौरान तकनीकी के अधिक इस्तेमाल के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उत्तर भारतीय सभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उमाकांत अग्निहोत्री के निर्देश पर वलनी, चनकापुर, खापरखेड़ा, सिल्लेवाड़ा क्षेत्रों के उत्तर भारतीयों का भव्य सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम यशवंत लॉन, मिलन चौक, खापरखेड़ा में विदर्भ अध्यक्ष डीबी सिंह व जिला अध्यक्ष राम प्रताप शुक्ला की प्रमुख उपस्थिति में आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों उत्तर भारतीयों ने सदस्यता ग्रहण की। अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि जो समाज अपने वर्तमान की समीक्षा नहीं करता, इतिहास उसे पन्नों में स्थान नहीं देता और भविष्य भी उसे नकार देता है। जब तक हम बिखरे रहेंगे, तब तक ना तो खुद विकास कर पाएंगे, ना ही समाज का। हम एकजुट होकर अपने विकास की बात सोचे, यही हमारा उद्देश्य है। कार्यक्रम में सूरज गौतम, राजेंद्र चौहान, नसीम सिद्दीकी, डॉक्टर विजय वर्मा, दुर्गा प्रसाद प्रजापति, इंद्रसेन सिंह, टीपी तिवारी, प्रवीण सिंह, सुनील सिंह, श्यामलाल कनौजिया, बलराम सूर्यवंशी, सुरेश प्रसाद, वकील पांडे, शक्ति गौतम, विजय पासवान, सुनील पाल, संदीप प्रसाद, रवि गौतम, राकेश शर्मा, संजय दीवान, विनोद यादव, शिव कुमार सूर्यवंशी, हासिम बेग आदि ने सहयोग किया। पिलगांव के नागलोक हॉल में प्ले ऑफ लाइट फोटोग्राफी वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन नागपुर के 3 फोटोग्राफर गजानन लाड, आनंद रामटेके और आनंद निर्भवन ने किया था। कार्यशाला में कोलकाता, अकोला, जलगांव, जामोद, हिंगनघाट, वर्धा, कामठी और नागपुर के कुल 20 फोटोग्राफरों ने भाग लिया। इस वर्कशॉप में नासिक के पोर्ट्रेट मास्टर मिलिंद देशमुख ने अपनी वर्कशॉप के प्ले ऑफ लाइट के अनुभव पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा की। फोटोशॉप कमर्शियल टिप्स, ट्रिक्स, फोटो रजिस्ट्रेशन, डिजिटल पोर्ट्रेट पेंटिंग का उपयोग कैसे करें, ये बताया गया। इस कार्यशाला में मॉडल मान गंगवानी, ऐश्वर्या शिंदे और गायत्री लाड का विशेष सहयोग मिला। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दीप लक्ष्मी लाड का विशेष सहकार्य मिला। श्री भारत वर्षीय दिगंबर जैन महासभा वर्ष से तीर्थ क्षेत्रों में मंदिर देवशास्त्र गुरु एवं समाज कार्य कर रही है। जैन त्रिलोक तीर्थ क्षेत्र में चुनाव संपन्न हुए। अध्यक्ष गजराज गंगवाल दिल्ली, महामंत्री प्रकाश बड़जातिया चेन्नई, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुमत लल्ला जैन नागपुर महाराष्ट्र का चयन किया गया। इस अवसर पर जैन राजनीतिक चेतना मंच की ओर से सुमित लल्ला का शॉल, श्रीफल, पुष्पगुच्छ आदि से सत्कार किया गया। लल्ला ने कहा कि जैन तीर्थ क्षेत्र में जो अवैध कार्य पवित्रता को नष्ट कर रहे हैं, इनका हम विरोध करेंगे। साधु संतों के आशीर्वाद से तन मन धन से पूरे भारत में कार्य करेंगे। प्रमुख उपस्थिति महामंत्री राजेंद्र धूमल, संगठन मंत्री डॉ. चंद्रनाथ भागवतकर, उपाध्यक्ष नाना थेरे, प्रदीप काटोलकर, जयप्रकाश मिश्री कोटकर, सागर तूपकर, मनोज जैन, शशांक लल्ला जैन आदि थे। इस्कॉन के नागपुर केंद्र श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर एम्प्रेस मॉल गेट नंबर 2 गांधी सागर नागपुर द्वारा बांग्लादेश के हिंदुओं, अल्पसंख्यक हिंदू मंदिरों, दुर्गा पंडालों इत्यादि पर सुनियोजित हमले के विरोध में शांतिपूर्ण मार्च निकाला गया। एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज के निर्देशानुसार इस्कॉन नागपुर के अध्यक्ष HG सच्चिदानंद प्रभु के नेतृत्व में इस संकीर्तन मार्च का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने एवं नागपुर के नागरिकों ने भाग लिया। इस्कॉन नागपुर के प्रवक्ता डॉ. श्याम सुंदर शर्मा ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित सभी लोगों ने एवं भक्तों ने मृदंग एवं करताल की धुन पर पूरे रास्ते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन किया।
कई भक्तों ने हाथों में तख्तियां ले रखी थी जिन पर इस कृत्य के विरोध में कई स्लोगन लिखे हुए थे। यह संकीर्तन मार्च श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर प्रांगण से रवाना होकर टाटा पारसी स्कूल, तिलक पुतला, धाड़ेश्वरी राम मंदिर, आगाराम देवी चौक, गीता मंदिर, कॉटन मार्केट, फुले मार्केट, एम्प्रेस मॉल होते हुए वापस इस्कॉन मंदिर पहुंचा। डेंगू की रोकथाम के उपायों के तहत नगर निगम द्वारा शहर में जोन स्तर पर सर्वे किया जा रहा है। सोमवार को शहर में 4,430 घरों का सर्वे किया गया। डेंगू रोकथाम अभियान के तहत निगम की स्वास्थ्य टीम द्वारा डेंगू पीड़ितों के आवास के आसपास के क्षेत्र में सर्वे कर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सोमवार को जोन निहाय पथक द्वारा किए गए सर्वेक्षण के दौरान 112 घरों में डेंगू के लार्वा पाए गए। इसके अतिरिक्त बुखार के 4 मरीज मिले। 121 लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए हैं। सर्वेक्षण के दौरान 77 घरों में लगे कूलर का निरीक्षण किया। इसमें 6 कूलरों में मच्छर पाए गए हैं। निगम की टीम के माध्यम से 14 कूलर खाली कर दिए गए। 35 कूलरों में 1% टेमीफोस घोल तथा 248 कूलरों में 2% डिफ्लुबेंजुरम टैबलेट इंजेक्ट किए गए। डेंगू रोकथाम कार्यक्रम के तहत प्रत्येक नागरिक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके घर या क्षेत्र में कहीं भी मच्छर न पनपे। डेंगू से संबंधित कोई भी हल्का लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। ऐसी अपील निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई है। बॉलीवुड वेब सीरीज स्कार में फिल्म और टीवी एक्टर संदेश गौर का जलवा देखने को मिलेगा। अभिनेता संदेश गौर हिंदी फिल्म मिराधा, मराठी फिल्म झिंग प्रेमाची और भला मानुष में बतौर मुख्य अभिनेता व अनेकों टीवी धारावाहिक, शॉर्ट फिल्म, म्यूजिक वीडियो और वेब सीरीज में अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत चुके हैं। लाखों लोगों की पसंद बना संदेश गौर का म्यूजिक वीडियो रूठे चाहे रब और आने वाले म्यूजिक वीडियो वे सजना आजा, वेब सीरीज बेरोजगार बलमा, बाबा जी की बूटी, ब्लैकमेल, कहानी घर घर की, लव फॉर प्रमोशन इत्यादि की। सह कलाकार, मॉडल और बॉलीवुड अभिनेत्री निकिता भिक्ता इस वेब सीरीज कार में अभिनेता संदेश गौर के साथ नजर आएगी। कुल्फी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की बैनर तले बन रही वेब सीरीज कार की 20 दिनों की शूटिंग पूरी कर ली गई है। शूटिंग मुंबई के आसपास और पालघर में किया गया है। इस सीरीज की शूटिंग में फिल्म और टीवी एक्टर संदेश गौर, मॉडल और बॉलीवुड अभिनेत्री निकिता भिक्ता, रोमी सिद्दीकी, टिया सिंह, अनुष्का सिंह, अर्जुन पांडे, चेतलाल पंडित, साहिल खान, सूरज संजू, तारकेश्वर और कई कलाकारों ने भाग लिया है। वेब सीरीज सस्पेंस और थ्रिलर है जिसे बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म में रिलीज किया जाएगा। सामान्य जनता व कांग्रेस का आवाज बुलंद करने वाले जनप्रिय नेता प्रफुल्ल गुड़देव पाटिल को महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर जिला नियोजन समिति में नियुक्त किया है। इस उपलक्ष्य में नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी के महासचिव तेजस जिचकार व मुकेश शर्मा ने शुभकामनाएं दी। रमाई घरकुल योजना के सभी पात्र हितग्राहियों को न्याय दिलाने एवं लापरवाह मां विकास आघाड़ी को जगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के स्लम आघाड़ी, महिला आघाड़ी एवं अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा बुधवार सुबह 11 बजे संविधान चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक भव्य मोर्चा का आयोजन किया जाएगा। इस मोर्चा का नेतृत्व भाजपा के प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले, नागपुर शहर अध्यक्ष विधायक प्रवीण दटके और महापौर दयाशंकर तिवारी करेंगे। इस मोर्चा के संबंध में सोमवार को मोर्चा के मुख्य संयोजक भाजपा प्रदेश सचिव एडवोकेट धर्मपाल मिश्राम की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक बुलाई गई। समीक्षा बैठक में अशोक मेंढे, रामभाव अम्बुलकर आदि उपस्थित थे। रमाई घरकुल आवास योजना के पात्र हितग्राहियों के साथ महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा अन्याय किया जा रहा है और इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ये मोर्चा निकाला जा रहा है। सोई हुई महाविकास आघाड़ी सरकार के सामने प्रमुख एवं महत्वपूर्ण मांगे रखकर जगाना चाहिए। नागपुर महानगर पालिका को 40 करोड़ रुपए प्रदान किए जाए ताकि रमाई घरकुल आवास योजना के पात्र लाभार्थी नागपुर में स्थायी घर बना सके, ये प्रमुख मांग है। भाजपा प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले, नागपुर शहर अध्यक्ष विधायक प्रवीण दटके, महापौर दयाशंकर तिवारी के साथ विधायक कृष्णा खोपड़े, विधायक विकास कुंभारे, विधायक मोहन मते, विधायक गिरीश व्यास, विधायक नागो गणार आदि नेता एवं पदाधिकारीगण मोर्चा का नेतृत्व करेंगे। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।